स्टूडेंट्स वेलकम टू माई टूडे स्टूडेंट स्टूडेंट विल डू द रिकैप एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शंस ऑफ मैथ साइंस इंडियन लर्निंग बुक 63 आवर ट्रेडिशन. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स सबसे पहले अभी हमारे रिकैप एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है. इसमें हमने ऐसे लिखना है व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स आर शेडेड. सो इनका क्या पार्ट इनके फिगर्स का शेडेड है. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें ये 4 है एंड 4 में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही शेडेड है. यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/2. अब ये हमारा बी है ये कितने पार्ट्स है टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स है. सो 6 हम लेंगे डिनोमिनेटर एंड शेडेड कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5. सो हम ऊपर लिख देंगे 5. अब ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें कितने पार्ट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड शेडेड कितने हैं 1, 2, 3. सो 3/6 हैं शेडेड. नेक्स्ट डी पार्ट. सो डी पार्ट है में कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 शेडेड कितने हैं 1, 2, 3, 4. सो 4/9 है इसका शेडेड पार्ट. सो ये हमारा ई पार्ट इसमें टोटल कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो 8 इसमें टोटल पार्ट है. एंड उसके बाद अब नेक्स्ट वेट एक बार दोबारा से तो भी हम काउंट कर ही लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. देखो 8 ही हैं 8 हम ले लेंगे डिनोमिनेटर एंड इनको काउंट करते हैं 1, 2 एंड 3. सो 3/8 आ जाएगा हमारा पार्ट जो कि शेडेड है. ओके सर फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रेंड्स अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन है. सो इसमें हमने इसको चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में. सो ए पार्ट है 13/7. सो 13 को हम ऊपर लेना है 7 को हमने नीचे लेना है. 7 पर 7 ही आएगा 14 तो आ नहीं सकता है क्योंकि 14 13 से बड़ा है. सो यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1. सो 1/6/7 ये आ जाएगा यहाँ पर. अब ये हमारा बी पार्ट 23/17. सो 17 को डिवाइड करें 23 के साथ यहाँ पर आ जाएगा 17 क्योंकि 17 का जो सेकंड होता है वो 34 होता है 72 का. सो यहाँ पर 6 बच जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा 1. सो ये हो जाएगा 1/6/17. जो देखो जो न्यूमिरेटर होता है वो ये वाला होता है हमारा रिमाइंडर एंड जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला नंबर होता है वो हमारा क्वेश्चेंट होता है एंड जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो ये वाला होता है जो हमारा ये होता है. सो अभी हमारा सी पार्ट है 5/2 इज इक्वल टू 2 × 5/2 हमने अब वो करना है. सो 2/5 तो यहाँ पर 5 आ जाएगा यहाँ पर एंड 2 आ जाएगा यहाँ पर. सो उसके बाद अब 2 के टेबल के ऊपर 4 आ जाता है जो कि आता है कितने पर 2 के ऊपर से. यहाँ पर अब 2 लिख देंगे यहाँ पर 1 बच जाएगा. सो 2/1/2 आ जाएगा हमारा आंसर. सो अब ये हमारा डी पार्ट है 31/19 जो कि आ जाएगा 19/31. सो 19 आ जाएगा नीचे एंड वहाँ पर आ जाएगा 1 जहाँ पर क्वेश्चन होता है एंड रिमाइंडर बच जाएगा 12/1/12 आ जाएगा हमारा आंसर. सो ई पार्ट है 35/12 जो कि हो जाएगा 35/12 जो कि अब 24 आ जाएगा जो कि कितने बार आता है वो आता है हमारे 2 पर. सो यहाँ पर हमने क्या लिखना है यहाँ पर हम लिख देंगे 2 एंड यहाँ पर भी हमने लिख देना है 2. सो एंड बचेगा कितना 11. सो 11/12 2/11/12 आ जाएगा हमारा आंसर. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है. सो इसमें हमने चेंज करना है इन सभी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो फर्स्ट है 2/3/5. सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है जो कि डिनोमिनेटर उसको होता है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है 5 × 2 प्लस यहाँ पर आपको प्लस का साइन डाल देना है होल नंबर को जो होल नंबर और हमारे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई का आ जाए प्रोडक्ट उससे हमें प्लस कर देना है जो हमारा न्यूमिनेटर हो. सो जैसे कि अब देखो एंड जो हमारे डिनोमिनेटर हो वो उतना ही रहेगा. जैसे कि अब देखो 5 × 2 हो जाएगा कितना 10 10+3 13. सो 13/5
डिनोमिनेटर उतना ही रहा, सो थ्री होल वन ओवर नाइन, थ्री होल वन ओवर नाइन, सो नाइन मल्टीप्लाई थ्री कितना हो देता है 27, 27 प्लस वन 28, सो डिनोमिनेटर उतना ही रहा 28 अपॉन नाइन। अब ये हमारा सी पार्ट, सो फोर होल वन ओवर एट, एट मल्टीप्लाई फोर 32, 32 प्लस वन 33, 33 अपॉन एट। सो अभी हमारा नेक्स्ट वन होल टू ओवर फाइव, सो फाइव मल्टीप्लाई वन फाइव प्लस टू सेवन, सेवन अपॉन फाइव। ई पार्ट फाइव थ्री होल थ्री ओवर फाइव, फाइव मल्टीप्लाई थ्री 15, 15 प्लस थ्री 18, 18 अपॉन फाइव। ओके सर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर फ्रेंड्स अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सर्कल कर देनी है प्रॉपर फ्रैक्शंस को, इनमें से कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शंस है। सो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनका कि न्यूमिरेटर हो जो वो उनके डिनोमिनेटर से छोटा हो। जैसे कि अभी देखो वन अपॉन थ्री, सो डिनोमिनेटर से वन छोटा है यानी थ्री से वन छोटा है, सो इसको हमें सर्कल कर देना है। थ्री अपॉन फाइव, सो थ्री फाइव से छोटा है, सो इसको भी हमें सर्कल कर देना है। सेवन अपॉन फाइव, इसको हम कर नहीं सकते हैं, वो क्यों, क्योंकि जो सेवन है वो फाइव से बड़ा है। अब नाइन अपॉन फाइव, इसमें भी हम इसको नहीं कर सकते सर्कल, क्योंकि जो नाइन है वो फाइव से बड़ा है। एंड ये है हमारा ई पार्ट, सो इसमें फोर अपॉन सेवन, सो इसको हम कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा सेवन, जो कि हमारा सेवन है वो फोर से छोटा है, यानी फोर है वो सेवन से बड़ा है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अभी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सो इसमें हमने राइट करने हैं न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर हर एक फ्रैक्शंस के। जैसे कि अब देखो फर्स्ट है, सो इसमें हमने एन एंड डी लिखेंगे, फुल नेम नहीं लिखेंगे, सो यहाँ पर एन एंड यहाँ पर डी। सो न्यूमिरेटर क्या है, टू, एंड डिनोमिनेटर थ्री, वैसे यहाँ पर एन और डी। सो न्यूमिरेटर क्या है, सिक्स, डिनोमिनेटर थर्टीन। सी और न्यूमिरेटर का है 14 एंड डिनोमिनेटर क्या है 29, वैसे ही न्यूमिरेटर क्या है 17 एंड डिनोमिनेटर क्या है 25। अब यहाँ पर हमने n एंड d दोबारा से लगा देने, सो अब यहाँ पर न्यूमिरेटर क्या है 23 एंड डिनोमिनेटर क्या है 29। आप चाहो तो इन सभी में, इन सभी को फ्रैक्शन की तरह भी लिख सकते हो। ओके सर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अभी और सिक्स्थ क्वेश्चन है, जिसमें हमने इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट है 217, सो इसको क्या लिखेंगे, 2 अपॉन 17, सो सिक्स्थ नाइन्थ, सो 6 अपॉन 9, जो कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 3, बट हम 6 अपॉन 9 ही लिखेंगे। 4 13, सो 4 अपॉन 13, 5 18, सो 5 अपॉन 18। सो अभी हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, सो इसमें हमें एक्सप्रेस करना है सभी स्टेटमेंट्स को फ्रैक्शन में। जैसे कि अब देखो, टेक 3 मार्बल्स आउट ऑफ 4 मार्बल्स, सो 4 मार्बल्स में से 3 मार्बल्स हमने अगर आउट ले ली तो वो क्या होगा, वो आ जाएगा हमारा 3 अपॉन 4। ई टू चॉकलेट्स आउट ऑफ 7 चॉकलेट्स, सो ये क्या देगा, अगर हमने 2 चॉकलेट्स खाली 7 में से, सो आ जाएगा 2 अपॉन 7। सी पार्ट, गिव 5 पीसेस ऑफ पिज्ज़ा फ्रॉम 12 पीसेस ऑफ पिज्ज़ा, सो आ जाएगा 5 अपॉन 12। कलर 6 सर्कल्स आउट ऑफ 8 सर्कल्स, सो कलर कर देने 6 सर्कल्स आउट ऑफ 8 सर्कल्स, सो इसका क्या आएगा, 6 अपॉन 8, जिसको कि अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 अपॉन 4 भी लिख सकते हैं। ओके सर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।